अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है लिनक्स के अंदर फिल्टर्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होते हैं फिल्टर्स, इसको देखते हैं। अब देखो यूजिंग फिल्टर्स इन लिनक्स, अब देखो फिल्टर्स का अगर मैं थ्योरी से आने से पहले फिल्टर्स का अगर मैं उर्दू में आपको मतलब बताऊं तो उर्दू में क्या मतलब होता है, छांटना, ठीक है, मतलब फिल्टर करना, मतलब मेरे पास बहुत सारा डेटा है उसमें से मुझे फिल्टर करना है, छांटना है कुछ डेटा अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से, तो तब हम यूज करते हैं फिल्टर्स, ठीक है। और ये फिल्टर्स लिनक्स के अंदर कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जो हमारे पास फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ डेटा होता है, ठीक है, उसके अंदर से अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा फेच करवाना हो, आउटपुट में रिजल्ट डिस्प्ले करवाना हो, तब हम यूज करते हैं फिल्टर्स, ठीक है। तो देखो फिल्टर्स हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन सबसे पहले फिल्टर्स होते क्या है इसको देखते हैं। पहला पॉइंट देखो, फिल्टर्स यूज टू रीस्ट्रक्चर द आउटपुट बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। इसका मतलब, रीस्ट्रक्चर का मतलब कि मेरी एक फाइल है उसका एक स्ट्रक्चर है, मुझे उसको रीस्ट्रक्चर करना है, मॉडिफाई करके उसके अंदर से रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, तब मैं यूज करता हूँ फिल्टर्स, ठीक है। मतलब बहुत सारा डेटा है, मुझे उसको रीस्ट्रक्चर करके उसमें से कुछ डेटा देखना है, थोड़ा सा डेटा देखना है, या कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग का डेटा देखना है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं यहाँ पे फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट। फिर देखो, इट ट्रांसफॉर्म्स प्लेन टेक्स्ट डेटा इनटू अ मीनिंगफुल वे। मतलब हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है फाइल्स के अंदर, टेक्स्ट डेटा जो होता है, ठीक है, उनको मैं इस तरह से फिल्टर करूं कि जब उनका रिजल्ट आए वो मेरे पास मीनिंगफुल हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं फिल्टर्स, ठीक है। फिर यहां पे देखो, फिल्टर्स हेल्प्स इन टेकिंग द इनपुट, मॉडिफाइंग इट एज पर रिक्वायरमेंट एंड देन पासेस इट एज आउटपुट। इसका मतलब, फिल्टर्स क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, और इनपुट में हम उनको क्या देते हैं, फाइल देते हैं, ठीक है, और फाइल के अंदर हम उन्हें एक कंडीशन बताते हैं कि भाई इस फाइल के अंदर से मुझे ये चीज फिल्टर करवानी है, ये चीज फिल्टर करवा के मुझे ला के दो, ये चीज फिल्टर करवा के उसका आउटपुट मुझे रिटर्न करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, इनपुट लेगा, इनपुट फॉर एग्जांपल हमारा कोई स्ट्रिंग होगा, ठीक है, जो हम किसी पर्टिकुलर फाइल से सर्चिंग करवाना चाह रहे हैं, फिल्टरिंग करवाना चाह रहे हैं, फिर वो उसको मॉडिफाई करके उसका आउटपुट हमें रिटर्न करेगा, ठीक है, एक तो इसका ये पॉइंट है। फिर देखो, फिल्टर्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, जिस तरह अभी मैंने बताया, पहला फंक्शन क्या है, टेक्स इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट फाइल। मतलब हमारे पास एक फाइल होती है जिसमें से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस इनपुट को फिल्टर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल है, उसके अंदर बहुत सारे नाम है, उसके अंदर से मुझे अपना नाम सर्च करवाना है, आदिल, फिल्टर करवाना है, तो मुझे वो लाइन प्रिंट करके दो जिस लाइन के अंदर आदिल हो, ठीक है, वो लाइन मुझे फिल्टर करके दो, ठीक है, उस इनपुट को जो मैं देता हूं अपनी फाइल के थ्रू, उसको फिल्टर करके वो हमें आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है। तो थर्ड में क्या कह रहा है, सेंड्स द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल, ठीक है, मतलब जो आउटपुट होता है वो हमें आउटपुट फाइल की सूरत में हम कंसोल पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं या कहीं और सेव भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास फिल्टर्स की टाइप्स है, ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे पांच फिल्टर्स हैं और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, रेड हैट लिनक्स हैज फिल्टर्स दैट आर यूज टू वर्क ऑन डेटा इन एन इफेक्टिव वे। मतलब हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो हम अपनी फाइल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये फिल्टर्स हैं पांच, ठीक है, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रैप फिल्टर है, डब्ल्यूसी फिल्टर है, कट, टीआर, सॉर्ट, ये सारे फिल्टर्स हैं जो फाइल में हम अप्लाई करते हैं और ये अपने हिसाब से फिल्ट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं। मतलब हर एक फिल्टर का एक अलग अलग यूज होता है, ठीक है, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रैप फिल्टर को, ग्रैप फिल्टर क्या होता है। अब देखो, यूजिंग ग्रैप फिल्टर, ग्रैप फिल्टर यूज टू सर्च एंड डिस्प्ले द लाइंस इन अ फाइल विद पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब मैं अपनी फाइल से कोई एक पैटर्न सेलेक्ट करता हूं, मतलब कोई पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि मेरी एक फाइल है जिसमें नेम्स है, उसमें से मुझे आदिल सर्च करना है, ठीक है, तो आदिल जब मैं सर्च करूंगा ग्रैप फिल्टर के थ्रू, तो आदिल कौन सी लाइन पे है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्प्ले द लाइंस इन अ फाइल, मतलब आदिल जो एक पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स है वो जिस लाइन पे होगा वो पूरी फाइल रिटर्न कर, पूरी लाइन रिटर्न करके देगा, कौन, ग्रैप फिल्टर, ठीक है। मतलब जहां जहां आदिल होगा
उसे जिस लाइन पे मिलेगा ग्रैब फिल्टर, वो पूरी की पूरी लाइंस आपको डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, द पैटर्न दैट इज सर्च इन अ फाइल इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब इसको वो रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करता है। मतलब जिस तरह मैंने बताया मुझे सर्च करवाना है आदिल, तो ये जो कैरेक्टर्स मैं दूंगा आदिल के लिए वो क्या होगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएंगे, ठीक है। फिर द ग्रैब फिल्टर कैन बी यूज्ड ओनली बाय स्पेसिफाइंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब जो स्ट्रिंग, जो पार्ट मुझे सर्च करवाना है उसको मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, रेगुलर एक्सप्रेशन कह रहा हूं, और ग्रैब फिल्टर के साथ हम इन रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। अब देखो सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले ग्रैब का जो कीवर्ड है, फिर ग्रैब के साथ ऑप्शंस भी आते हैं, इसकी अभी बात करेंगे, फिर पैटर्न, ठीक है। मतलब कौन सा पैटर्न आपकी फाइल में आप सर्च करवाना चाहते हो, मतलब अगर वो पैटर्न आपको मिल जाएगा तो ये आपको आउटपुट रिटर्न करेगा हमारे टर्मिनल पे, और फिर वो जो पैटर्न आप सर्च करवा रहे हो उस फाइल का नाम, मतलब जिस फाइल के अंदर से आप एक मखसूस एक पर्टिकुलर पैटर्न सर्च करवा रहे हो वो आप यहाँ पे दोगे उस फाइल का नाम और यहाँ पे पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊं आपको, ठीक है, और अपने टर्मिनल को मैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पे अभी देखो अगर मैं ls की कमांड आपको डिस्प्ले करवाऊं, ठीक है, ls क्या करता है, जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं उनकी लिस्टिंग प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, मैंने कुछ फाइल्स बनाई है। यहाँ पे एक फाइल है मेरे पास subjects.txt, ठीक है, इस तरह की मेरे पास फाइल है, तो इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, अब ग्रैब फिल्टर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो पहले लिखोगे ग्रैब, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो मुझे पैटर्न सर्च करवाना है। अच्छा, पहले मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ जिसके ऊपर मैं ये अप्लाई करूंगा, ठीक है, subjects.txt, ठीक है। मतलब ये एक मेरे पास फाइल है जिसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है, और कैट क्या करेगी कि हमें इस subjects.txt का सारा कंटेंट डिस्प्ले करवाएगी। मैं एंटर करता हूं तो अब आप यहां पर रिजल्ट देखो, देखो एक सब्जेक्ट है जावा, जावा इज एन ऊप लैंग्वेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, उनकी एक लाइन की छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, पीएचपी है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, और फिर एंड में मैंने कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि मैं फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हुए इस फाइल के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको क्लियर करता हूं और अब मैं ग्रैप अप्लाई करता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मुझे एक स्ट्रिंग सर्च करनी है जावा, ठीक है, और कहां से सर्चिंग करनी है, मेरी फाइल का क्या नाम है, subjects.php, ठीक है, तो subjects.txt, ठीक है। अब यहां पे आके मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देखो जावा दो जगह पे था, एक जावा में और दूसरा जावास्क्रिप्ट में। तो देखो जहां जहां जावा है, मतलब जहां जहां ये पैटर्न हमारी फाइल के अंदर है, वो पूरी की पूरी लाइंस उसने मुझे क्या करके दी है, रिटर्न करके दी है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहां पे क्या कह रहा है, ग्रैब कमांड इज केस सेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव किस तरह से कि देखो अगर मैं यहां पे इस तरह से लिखूं, मतलब देखो मेरी फाइल में अभी जो जावा है और जावा स्क्रिप्ट है वो दोनों कैपिटल जे से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्मॉल जे से सर्चिंग करवाऊं, मतलब जो पैटर्न में सर्चिंग करवा रहा हूँ जावा का वो स्मॉल केस में करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आके एंटर करूं तो देखो अब इसने मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाया, ठीक है, क्योंकि जावा में स्मॉल केस में दे रहा हूं लेकिन जो हमारी फाइल के अंदर प्रेजेंट है जावा वो कैपिटल है, ठीक है, मतलब केस सेंसिटिव है, ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। अच्छा, फिर वी यूज हाइफन आई ऑप्शन फॉर केस इनसेंसिटिविटी, इसका मतलब कि अगर मुझे इस केस सेंसिटिविटी को खत्म करना है, ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन यूज करता हूं ग्रैब कमांड के साथ हाइफन आई, इसका मतलब देखो अभी जब मैं यहां पे ये कमांड एग्जीक्यूट करवा रहा था तो ये कोई भी रिजल्ट हमें डिस्प्ले नहीं करवा रहा था कि भाई जावा के नाम से, मतलब ये जो आपने, मतलब ये अब केसिंग को भी चेक कर रहा है कि स्मॉल केसिंग जावा में कोई भी हमारे पास लाइन मौजूद नहीं है इस फाइल के अंदर। लेकिन अगर मैं यहां पे अब ग्रैब के बाद ये ऑप्शन यूज कर लूं हाइफन आई, और मैं कह रहा हूं हाइफन आई और ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट है कौन सा, स्मॉल जावा, इसकी केसिंग को चेक नहीं करना आपने, बस ये चेक करना है कि ये वर्ड इस फाइल के अंदर मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो एंटर करता हूं तो आप देखो
अब दोबारा वही दोनों लाइंस दिखा रहा है, हालांकि मैंने सर्चिंग करवाते वक्त स्मॉल केसिंग में जावा दिया था, लेकिन अब मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, माइनस आए तो तभी वो हमें क्या दिखा रहा है, दोनों मतलब कैपिटल में हमारे पास दिखा रहा है, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट है, फिर आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टेबल लिस्ट द सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास कैरेक्टर भी हो सकता है और कोई वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये कैरेक्टर है ना ए, अगर मैंने ग्रेप के बाद ए दिया है स्ट्रिंग के अंदर, तो ए कहाँ कहाँ पे है, कौन सी लाइन पे है वो हमें प्रिंट करवा के देगा, एफ कहाँ कहाँ लाइन पे है वो प्रिंट करवा के देगा, न्यू का वर्ड कौन सी लाइन पे है वो हमें दिखाएगा, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ पे आऊ, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये हटाता हूँ माइनस आए, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ सी, ठीक है, मतलब सर्च करो कि सी का कैरेक्टर कौन कौन सी लाइन पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में भी सी आता है, ठीक है, फिर जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में भी सी आता है, कॉल और सेल में भी सी आता है, ठीक है। तो ये हमें सर्चिंग करके दिखा रहा है। अगर मुझे कोई एक वर्ड सर्च करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ पीएचपी, ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर करूंगा, तो देखो पीएचपी जिस लाइन पे है ये वर्ड, वो पूरी लाइन हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की हम फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं ग्रैप कमांड के थ्रू, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूजिंग ग्रैप फिल्टर कैरेक्टर्स कैन बी यूज टू स्पेसिफाई कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब हम कुछ कैरेक्टर्स यूज करते हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक कैरेक्टर होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है, इसमें से हम सर्चिंग करवा सकते हैं। मतलब देखो ये क्या कह रहा है, मैचेस एनी वन ऑफ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इसका मतलब कि यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया हुआ है, और इस वर्ड के बाद ये इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी एल लिखा हुआ है, इसका मतलब न्यू के बाद, मतलब आप हम सर्चिंग क्या करवा रहे हैं कि एक वर्ड है न्यू और उसके बाद ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई पैटर्न आपको मिलता है तो वो मुझे रिटर्न करवाओ, ठीक है। हम इस एग्जांपल को थोड़ी दूसरी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देखो मैं यहां पे आता हूं और मैं यहां पे कहता हूं फॉर एग्जांपल जे ए वी, ठीक है, और इसके बाद डबल कोट्स में अप्लाई करना है, मैं लिखता हूं जे ए वी और डबल कोट्स के अंदर, इसके अंदर डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं देता हूं ए बी सी, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं कि जे ए वी है एक वर्ड और उसके बाद ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, ठीक है, इन तीनों कैरेक्टर में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे आके मैं एंटर करूंगा, तो देखो इसने हमें क्या प्रिंट करवाया, ठीक है, ये जावा वाली लाइन, ठीक है, क्योंकि जे ए वी के बाद क्या आता है, ए आता है, और इसी तरह यहां पे भी जावास्क्रिप्ट में भी वही है, जे ए वी और उसके बाद क्या आता है, ए आता है। मतलब इन तीनों में से अगर कोई एक कैरेक्टर आता है जे ए वी के बाद, वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हम यूज करते हैं इस पैटर्न के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक और पैटर्न मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल पी, ठीक है, और पी के बाद मैं यहाँ पे कहता हूं ए टू जेड। अब देखो पहले मैंने क्या दिया था, ए बी सी, ठीक है, तो वो सिर्फ ए बी सी को कंसिडर कर रहा था, लेकिन अब अगर मैं ए टू जेड दे दूं, तो इसका मतलब पी के बाद कहां कहां, मतलब पी के बाद कोई एक कैरेक्टर आएगा और वो कैरेक्टर इस रेंज में से मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आके एंटर करूं, तो देखो पी है, यहां पे देखो पी है, पी के बाद क्या है, क्योंकि मैंने स्मॉल पी दिया है, ये स्मॉल पी को सर्च करेगा, कैपिटल पी नहीं समझना, ठीक है, स्मॉल पी, पी के बाद क्या आ रहा है, टी, ठीक है, और टी ए टू जेड में आता है ना, ठीक है, तभी ये वाली लाइन प्रिंट कर रहा है, फिर इसी तरह स्क्रिप्टिंग यहाँ पे भी है, ठीक है, और फिर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है इसका। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक और यहाँ पे सिंबल यूज होता है जिसको हम कहते हैं कैरेट, ठीक है, ये जो कैप का सिंबल है इसको क्या कहते हैं, कैरेट। अब देखो ये कह रहा है द पैटर्न फॉलोइंग द कैरेट मस्ट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन ग्रेप, इसका मतलब हम कोई भी कैरेक्टर, मतलब हम चाह रहे हैं कि मेरी जो लाइन स्टार्ट हो रही है उसका स्टार्टिंग का कैरेक्टर मुझे अगर फाइंड करना है, तो मैं यूज करता हूं ये कैरेट,
ठीक है। इस तरह से देखो, मैं यहां पे आता हूं और मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कैरेट का सिंबल पहले लगेगा और फिर कहता हूं सी। मतलब अब मैं क्या कह रहा हूं इस कैरेट के सिंबल से कि इस फाइल के अंदर ठीक है वो कौन सी लाइन है जो सी से स्टार्ट होती है, इसको समझना जरा ठीक है। मतलब सब्जेक्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर ऐसी कौन सी लाइन है जो सी से स्टार्ट होती है ठीक है, और स्टार्टिंग के लिए मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है यहां पे ये वाला सिंबल कैरेट का ठीक है। एंटर करते हैं तो आप रिजल्ट देखो ठीक है, क्या दिखा रहा है ये कॉल और सेल ठीक है। मतलब ये जो दोनों लाइंस है ये किससे स्टार्ट हो रही है, सी से स्टार्ट हो रही है ठीक है। अगर मैं आपको अपनी फाइल दिखाऊं ठीक है, यहां पे कैट सब्जेक्ट्स डॉट टीएक्सटी ठीक है, एंटर करते हैं तो यहां पे देखो सी से सिर्फ कौन सी दो लाइंस स्टार्ट हो रही है, कॉल और सेल वाली, और ये जो कमांड मैंने अप्लाई की थी अभी ठीक है इसने क्या प्रिंट करवा के दिया मुझे, जो लाइन सी से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहां पे टी दूं ठीक है तो ये दो लाइंस प्रिंट करवाएगा ठीक है। मैं यहां पे आता हूं और मैं यहां पे कहता हूं कि पहली लाइन का कैरेक्टर है टी, एंटर करते हैं तो देखो इसने क्या रिटर्न करवाया, टीम और टॉम ठीक है, ये बिल्कुल न्यू लाइन से स्टार्ट हो गए थे ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं फिर आगे चलते हैं। फिर यहां पे देखो हम एक और पैटर्न इसमें यूज करते हैं, एक और कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं डॉलर साइन। अब देखो डॉलर साइन क्या करता है, द पैटर्न प्रीसीडिंग द डॉलर साइन मस्ट अकर एट द एंड ऑफ ईच लाइन। अब देखो डिफरेंस है, कैरेट क्या कर रहा था, ये कैरेट में हम जो भी कैरेक्टर स्पेसिफाई करते थे वो ये देखता था कि मेरी वो जो कैरेक्टर है वो लाइन की स्टार्टिंग में कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो लाइन फेच करके देता था। लेकिन अगर मैं किसी कैरेक्टर के साथ ये यूज करूंगा तो वो मेक श्योर करेगा कि हमारे पास वो कैरेक्टर लाइन के एंड में कहां कहां आता है ठीक है। तो देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। और यहां पे मैं कहता हूं ग्रेप है ठीक है, और इसके बाद मैं कहता हूं हम यहां पे इसको डॉलर साइन को देख लेते हैं, डॉलर साइन लगेगा एंड में ठीक है। मैं यहां पे कहता हूं ई और फिर लगाता हूं डॉलर साइन ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे वो लाइंस प्रिंट करवाओ जिनके एंड में, मतलब जिन लाइन का एंड का वर्ड क्या आता है, ई आता है ठीक है। तो मैं एंटर करता हूं तो आप रिजल्ट देंगे। अब देखो ये जितनी भी लाइंस हैं उनका आप अगर नोटिस करो एंड कौन से वर्ड से हो रहा है, ई से हो रहा है ठीक है, तभी वो सारी लाइन मुझे क्या करवा रहा है, फिल्टर करवा के दे रहा है ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये पूरी फाइल डिस्प्ले करवाऊं ठीक है, subjects.txt एंटर करूं तो देखो यहां पे हमारे पास ये वाली जो लाइंस है, मतलब ये चार लाइंस L पे एंड हो रही है और एंड की दो लाइंस M पे एंड हो रही है ठीक है, तभी ये लाइन इसने मुझे प्रिंट नहीं करवाई ठीक है। फिर यहां पे मैं इसको क्लियर करता हूं ठीक है। अब देखो E था, इसी तरह L है और इसी तरह M है ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आऊं ठीक है, पहले E मैं चेक कर रहा हूं, अगर मैं L चेक करूं कि मेरी लाइन के एंड में L कहां कहां पे आता है, तो अगर मैं एंटर करूं तो देखो ये चारों लाइंस प्रिंट हो रही हैं, इसमें एंड में क्या आ रहा है आपके पास, L आ रहा है ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं यहां पे M दूं ठीक है और यहां पे आके एंटर करूं तो देखो लाइन के एंड में टीम में भी M आ रहा है और टॉम में भी एंड आ रहा है ठीक है। क्लियर करते हैं इसको फिर आगे चलते हैं ठीक है। अब देखो डॉट हमारे पास एक और कैरेक्टर है, ये क्या कह रहा है, मैचेस एनी वन कैरेक्टर। मतलब डॉट ये मेक श्योर करता है कि जो भी आप कैरेक्टर दे रहे हो उसके बाद एक कैरेक्टर आता है ठीक है। मतलब ये पैटर्न अगर मुझे सर्च करवाना है ठीक है, मतलब मैं यहां पे ए दे रहा हूं और ए के बाद डॉट दे रहा हूं, अब इस फाइल में से ये सर्च करेगा कि ए कहां कहां पे आता है और ए के बाद एक कैरेक्टर कहां कहां पे आता है, वो जहाज पे भी आता है वो लाइंस हमें प्रिंट करवा के देगा ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आऊं ठीक है और यहां पे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल सी डॉट ठीक है, सी लिखता हूं और यहां पे डॉट करता हूं, एंटर करता हूं तो देखो हमारे पास यहां पे ये देखो पहले स्क्रिप्टिंग के अंदर सी देखो ठीक है, सी के बाद क्या आता है, आर आता है ठीक है, और आर क्या है, एक कैरेक्टर है जिसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, डॉट। फिर इसी तरह हमारे पास यहां पे भी स्क्रिप्ट है ठीक है, सी के बाद आर आता है ठीक है, और फिर इसी तरह देखो यहां पे अब स्टार्टिंग का दिखा रहा है, सी के बाद एक कैरेक्टर क्या आता है, ए,
और फिर सी के बाद एक कैरेक्टर क्या आता है ई, ठीक है। तो इस तरह से भी हम फिल्टरिंग करवा सकते हैं डॉट ऑपरेटर को यूज करके। फिर यहां पे मैं फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से कहूं, ठीक है, जे ए वी आता है और उसके बाद डॉट आता है, ठीक है, एंटर करूंगा तो देखो जे ए वी है और उसके बाद एक कैरेक्टर है मतलब जावा, ठीक है, और इसी तरह जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी वी के जे ए वी के बाद क्या है ए है, ठीक है। तो वही सर्च करके हमें यहाँ पे उनकी लाइंस प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल हो गई। फिर इसके बाद अब देखो कुछ ऑप्शन है, ठीक है, मतलब ऑप्शन भी इनके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पहला ऑप्शन है हाइफन एन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, प्रिंट्स ईच लाइन दैट मैचेस द पैटर्न, ठीक है, मतलब पहले तो जो लाइन हमारे पास मतलब जो मैं पैटर्न देता हूं, जिस तरह मैं यहाँ पे पैटर्न दे रहा था जावा, ठीक है, तो वो अगर हमारे पास मौजूद है हमारी फाइल के अंदर तो पहले तो वो पूरी लाइन प्रिंट करो, फिर अलोंग विद इट्स लाइन नंबर, मतलब अभी अगर आप नोटिस करो यहाँ पे लाइन नंबर प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई एक कमांड चलाऊं यहाँ पे तो देखो ये दो लाइन आ रही है लेकिन इनके लाइन नंबर प्रिंट नहीं हो रहे कि भाई ये वाली लाइन हमारी फाइल में कौन से लाइन नंबर पे है और ये वाली लाइन हमारे फाइल में कौन से लाइन नंबर पे है, ये लाइन नंबर्स प्रिंट नहीं हो रहे। तो अगर मुझे ये प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा हाइफन एन, और फिर क्या कह रहा है, द नंबर इज प्रिंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मतलब जो भी लाइन सर्च होके आएंगी लाइन नंबर कहाँ पे प्रिंट होगा, उसके बिल्कुल बिगिनिंग में, उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और अब ये रिजल्ट था ना, ठीक है, मैं इससे पहले लगा लेता हूं हाइफन एन, ठीक है, एंटर करता हूं तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे वही दो लाइंस प्रिंट करवा रहा है लेकिन उनकी स्टार्टिंग में क्या दिखा रहा है, लाइन नंबर दिखा रहा है, मतलब ये लाइन वन पे है और ये लाइन फोर पे है। अगर हमें चेक करना है, ठीक है, कि बाकी ये सही लाइंस प्रिंट करवा रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सब्जेक्ट डॉट टी एक्स टी, तो अब देखो ये तो जावा वाली लाइन थी, ये कौन सी है, वन पे है, बिल्कुल सही है, और जावा स्क्रिप्ट वाली लाइन देखो ये वन टू थ्री और जावा स्क्रिप्ट वाली लाइन कौन सी है, फोर्थ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहा है, फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें सर्चिंग लाइंस के साथ उनका लाइन नंबर भी देखना हो कि वो फाइल पे कौन से लाइन नंबर पे एग्जिस्ट करती है तो हम वो भी देख सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा है हाइफन सी, अब देखो ये क्या कर रहा है, प्रिंट्स अ काउंट ऑफ लाइंस दैट मैच अ पैटर्न, इसका मतलब अभी देखो मैंने एक पैटर्न सर्च किया था ना, कौन सा, जावा डॉट, ठीक है, मतलब जे ए वी डॉट, वो कितनी लाइंस हमें प्रिंट कर रहा था, टू रिटर्न कर रहा था ना, तो ये जो ऑप्शन है ना मेरे पास ये क्या रिटर्न करेगा, टू, हाइफन सी क्या रिटर्न करेगा, टू, क्योंकि मेरे पास दो लाइंस प्रिंट हो रही है तो उन दो लाइंस का काउंट कितना निकलेगा, टू, वो मुझे यहाँ पे ये प्रिंट करवाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊ, ठीक है, देखो ये लाइन है ना, मैं यहाँ पे अब लगाता हूं हाइफन सी, ठीक है, देखो अगर अभी आपको दिखाऊं हाइफन सी हटा के एंटर करो तो देखो दो लाइंस आ रही है सर्चिंग में, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे हाइफन सी लगा दू, ठीक है, तो अब ये मुझे टू रिटर्न करेगा, मतलब उन दो लाइंस का काउंट, तो देखो काउंट क्या बना, टू, ठीक है। फिर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ और सर्च करवाऊं, मैं यहाँ पे ये डॉट हटाता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल पीएचपी, ठीक है, एंटर करते हैं तो देखो पीएचपी में क्या रिटर्न करवा रहा है, ये वन, मतलब पीएचपी की जिस लाइन में है वो सिर्फ एक ही लाइन है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं सब्जेक्ट डॉट टी एक्स टी, एंटर करते हैं तो देखो पीएचपी वाली लाइन सिर्फ एक ही है, तभी माइनस सी हाइफन सी हमें क्या काउंट रिटर्न कर रहा है, वन, ठीक है, एक इसका ये पॉइंट हो गया। फिर इसको क्लियर करते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। आप देखो हाइफन वी, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिंट्स ऑल द लाइंस दैट डू नॉट मैच द पैटर्न स्पेसिफाइड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब मैंने अभी यहाँ पे सर्च करवाया ना पीएचपी, तो पीएचपी की लाइन मुझे रिटर्न हो गई, ठीक है, लेकिन ये हाइफन वी क्या करेगा, पीएचपी के अलावा, क्योंकि पीएचपी तो सर्च हो गया ना, मतलब पीएचपी मौजूद है, तो जो मौजूद है उसके अलावा जितनी भी रोज है, जितनी भी लाइंस है, वो हमें प्रिंट करवा के दो, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, तो यहां पे देखो पीएचपी की सिर्फ एक लाइन है, तो अगर मैं यहां पे हाइफन वी लगा दूं और एंटर करता हूं
तो अब आप नोटिस करो सारी लाइंस प्रिंट हो रही हैं सिर्फ पीएचपी वाली लाइन को छोड़ के, ठीक है। ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करूं, ठीक है, हमने जावा अप्लाई किया था, मैं यहाँ पे जावा कहता हूँ, ठीक है, एंटर करता हूँ, तो मतलब जावा और जावा स्क्रिप्ट वाली जो लाइन है उसको छोड़ के यहाँ पे सारा डेटा मुझे क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, तो देखो जावा और जावा स्क्रिप्ट वाली लाइन नहीं है, उसके अलावा जितनी भी लाइंस हैं वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। एक तो इसका ये पॉइंट है, फिर इसको क्लियर कर लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इसी तरह से हमें बता रहा है, ठीक है, माइनस एन यूज किया था तो माइनस एन क्या काम करता था, लाइन नंबर प्रिंट करवाता था, ठीक है। और जावा में मैंने आपको ये करके दिखाया तो हमें वो दो लाइन वन और फोर वाली प्रिंट करवा रहा था। फिर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है सर्वर, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूं, ठीक है, यहाँ पे इसको एन कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्वर लिखता हूँ, ठीक है, तो एंटर करूंगा तो देखो अब यहाँ पे पीएचपी वाली लाइन में भी सर्वर साइड सर्वर आता है और एसक्यूएल सर्वर में भी क्या आता है हमारे पास, सर्वर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी लाइन नंबर भी हमें प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल इसकी ये हो गई, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऑप्शन यूज हुआ है हाइफन सी, हाइफन सी क्या कर रहा है, काउंट करके दिखा रहा है कि ये जो मैं सर्चिंग करवा रहा हूं ये मतलब कितनी लाइंस पे आता है, ठीक है, उनका काउंट क्या है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन यूज करता हूँ हाइफन सी, एंटर करूं तो देखो ये क्या रिटर्न करवा रहा है, टू, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्वर था वो हमारे पास टू लाइंस में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टू रिटर्न हो रहा था। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल माइनस सी के साथ अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं एसक्यूएल, ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर एंटर करूं तो देखो एसक्यूएल हमारे पास एक लाइन पे ये दिखा रहा है। अगर मैं आपको ये लाइन यहाँ पे दिखाऊं सब्जेक्ट्स डॉट टीएक्सटी, एंटर करते हैं तो देखो एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ एक लाइन में आ रहा है, ठीक है, तभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, काउंट उसका वन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसकी ये हो गई। फिर यहाँ पे देखो हाइफन बी, ठीक है, हाइफन बी हमें क्या रिटर्न कर रहा था, मतलब जब मैंने जावा दिया था, ठीक है, तो जावा वाली लाइंस को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइंस थी वो हमें प्रिंट करवा रहा था, ठीक है। इसी तरह सर्वर, मतलब जहां जहां सर्वर होगा, ठीक है, जो उसे मिलेगा इस फाइल में, उन लाइंस को छोड़ के ये बाकी की सारी लाइंस प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूं वी और यहाँ पे हम लिखते हैं सर्वर और यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो देखो SQL सर्वर वाली लाइन जो है और वो जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी PHP, उनको छोड़ के ये सारी लाइन मुझे प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। एक इसका ये पॉइंट हो गया, क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने जितने भी ऑप्शन यहाँ पे यूज किए हैं इनको हम कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं, मतलब किस तरह से, देखो दीज ऑप्शन कैन बी यूज कंबाइन लाइक हाइफन एन वी, ठीक है। अब देखो एन और वी के जो काम है वो उनको मैं मर्ज करके डिस्प्ले करवा रहा हूं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एन का क्या काम है कि लाइन नंबर प्रिंट करवाना, वी का क्या काम है वो लाइंस प्रिंट करवाना जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, अगर मैं ये अप्लाई करूं इसके ऊपर, ठीक है, ये माइनस एन वी अप्लाई करूं तो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अभी हमें क्या रिटर्न कर रहा है, अगर मैं ये ऑप्शन हटाऊं एंटर करूं तो ये हमें दो लाइंस यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अब ऑप्शन यूज करूं हाइफन एन वी, ठीक है, मतलब हाइफन एन और हाइफन वी को मिला के मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो अगर मैं एंटर करूंगा तो देखो एन का काम क्या है कि लाइन नंबर प्रिंट करवाएगा और वी का काम क्या है कि यहाँ पे देखो सर्वर को छोड़ के, मतलब जिन लाइन में सर्वर है उन लाइंस को छोड़ के सारी लाइंस वो प्रिंट करवाएगा, ठीक है। मतलब पीएचपी में सर्वर था और एसक्यूएल सर्वर में सर्वर था, ठीक है, तभी यहाँ पे वो लाइंस हमें प्रिंट नहीं हो रही और उनके साथ साथ लाइन नंबर भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हम ऑप्शंस कभी कभार इनको मर्ज करवा के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है।